हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है वर्नर का सिद्धांत। तो वर्नर का सिद्धांत क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा और इसी वीडियो में आपको ये सिद्धांत याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है वर्नर का सिद्धांत। अब वर्नर का सिद्धांत हमने टोटल लिख दिया है क्योंकि आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, समझ में भी आए और उसके साथ साथ आप लिखते भी चले। तो अभी यहाँ पे आपको फिगर ओवर सब कुछ बनाया गया है, अभी इस पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है। जो आपको समझाया जाए केवल उस पर फोकस कीजिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा वीडियो के अंत तक। नहीं याद होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है भैया, ये हमने एक उप सहसंयोजक यौगिक लिया है। अब हमने उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। तो ये एग्जाम्पल में एक उपसंयोजक यौगिक लिया है जिसमें ये जो CO दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। इसे हम क्या कहते हैं? NH3 जो दिखाई दे रहा है इसे हम लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। मतलब इसे हम केंद्रीय धातु परमाणु, इसे लिगेंड्स कहते हैं और इसे हम आयन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे भैया लिगेंड्स क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने पहले ही पढ़ा दिया है कि लिगेंड्स और केंद्रीय धातु परमाणु। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल लिखिए लिगेंड्स किसे कहते हैं ब्रदर सर, ठीक है। इतना लिख के YouTube पर सर्च मारेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो अब सबसे पहला आता है कि वर्नर का सिद्धांत किसने दिया था। तो वर्नर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्नर का सिद्धांत दिया। अब आता है ये पॉइंट्स कि वर्नर के सिद्धांत में वर्नर नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या बताया, इस सिद्धांत में क्या बताया। तो बहुत ही सिंपल है, वर्नर नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांतों में बताया कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक होते हैं, ये एक उपसंयोजक यौगिक है ना, तो कोई भी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, वो दो प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं, दो प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझे ना, जिसे हम क्या कहते हैं प्राथमिक संयोजकता कहते हैं और दूसरा द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझे होंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा कि वर्नर के अनुसार, क्या कहा, वर्नर के अनुसार किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। दो प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं, और दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक है प्राथमिक संयोजकता, एक है द्वितीयक संयोजकता। तो आशा करते हैं कि आपको सबसे इतनी पॉइंट समझ में आया होगा। और यही बात तो हमने लिखा है, हमने क्या लिखा है कि वर्नर के अनुसार उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है या दर्शाता है। मतलब ये उपसंयोजक यौगिक है, इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होंगे वो दो प्रकार की संयोजकता दर्शाएंगे, उसमें से सबसे पहला प्राथमिक संयोजकता और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक संयोजकता। तो आशा करते हैं कि यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है, उसके बाद आपको ये फिगर बनाना है, और उसके बाद ये दोनों आपको लिखना होगा। तो अब आता है प्राथमिक संयोजकता। अब आपको समझ में आएगा कि प्राथमिक संयोजकता क्या होते हैं। तो देखिए यहां पर हमने जो उपसंयोजक यौगिक लिए गए हैं इसी का हमने यहां पे संरचना बनाया है, ठीक है। इसका हमने क्या बनाया है, संरचना। तो अब आता है कि जो हम जानते हैं इतनी बात, जब हमने लिगेंड्स पढ़ाया था और केंद्रीय धातु भी जो पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उसके चारों ओर लिगेंड्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु जो CO है, यहाँ पे भी CO है, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, और इसके चारों ओर क्या जुड़े हुए हैं भैया, लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो देखिए जो NH3 है, एमीन है, वो 6 मात्रा में है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 एमीन जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये सतत जो क्या है, एक सतत क्या रेखा द्वारा जुड़े हुए हैं, मतलब रेगुलर रेखा द्वारा जो क्या होता है, मतलब जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख रहे होंगे, इसको इस कलर से बना दे रहा हूं, ये कैसे,
ये एक सतत रेखा द्वारा जुड़े हुए कि नहीं, जो लिगेंड्स हैं वो सतत रेखा द्वारा जुड़े हुए हैं। और दूसरा ये देख रहे होंगे तीन, जो क्या है, जो क्लोरीन है सीएल, ये एक अंडर जो क्या है डॉटेड लाइन में जुड़े हुए हैं। तो ये आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि जो ये डॉटेड मतलब क्या हुआ है, डॉटेड लाइन में जुड़े हुए हैं क्लोरीन, तो इस डॉटेड लाइन को ही हम प्रथम संयोजकता कहते हैं, मतलब प्राथमिक संयोजकता। जो डॉटेड द्वारा जुड़े हुए हैं इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक संयोजकता कहेंगे। और जो सतत द्वारा मतलब सतत रेखा द्वारा जुड़े हुए हैं, ये सभी सतत रेखा द्वारा जुड़े हुए हैं, इसे हम कहेंगे द्वितीयक संयोजकता। समझ में आया? और दूसरी बात आपको ये सभी याद रखना है, सबसे पहला हमने ये बताया कि प्राथमिक संयोजकता कौन कहेंगे, जो डॉटेड लाइन द्वारा जुड़े हुए हैं। और द्वितीयक संयोजकता किसे कहेंगे, जो क्या होते हैं, जो सतत रेखाओं द्वारा जुड़े हुए हैं। ये सबसे पहला हमने दोनों में बता दिया। दूसरी बात कि यदि प्राथमिक संयोजकता मतलब जो डॉटेड लाइन वाले हैं, यदि प्राथमिक संयोजकता को, जो प्राथमिक संयोजकता की यही तो आयन है ना, तो यदि प्राथमिक संयोजकता को यदि हम जल में घोलते हैं तो क्या होते हैं, ये विलेय हो जाते हैं, मतलब आयनित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इसको घोलेंगे सीएल को तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बंध है ठीक है, ये टूट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जलीय विलयन में या विलयनों में आयनित हो जाते हैं, परंतु ये बहुत ही मजबूत बंध होता है। ठीक है, इसलिए इसे जल में घोलने पर ये आयनित नहीं होते हैं। कौन? द्वितीयक संयोजकता वाले आयनित नहीं होते हैं और प्राथमिक संयोजकता वाले क्या होते हैं, आयनित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हमने क्या लिखा है, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक संयोजकता में लिखे हैं कि ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। ऋणायनों द्वारा मतलब क्या, जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार जो भी परमाणु या जो भी आयन जुड़ेगा वो सभी आयन कैसे होंगे भैया, ऋण आयन होंगे। इन पर क्या होगा, आवेश जो होगा वो ऋण आयन होगा। जैसे इस पर सभी पर ऋण आयन है ना, तो इसी प्रकार जो भी प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़ेगा, प्राथमिक संयोजकता द्वारा, वो सभी क्या होंगे, ऋण आयन होंगे। ये सबसे पहला इसका नियम में बताया, कौन, वर्नर ने अपने प्राथमिक जो क्या है संयोजकता में बताया। दूसरा, यह विलयनों में आयनित हो जाते हैं। जो क्या है, ये जो क्या है, जो प्राथमिक संयोजकता वाले जो भी बंध है, ये सभी क्या है, प्राथमिक संयोजकता, यदि हम इसको जल में घोलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, मतलब जल में टूट जाते हैं। समझ में आया ना? क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि ये जो दुर्बल क्या होते हैं, बंध द्वारा जुड़े होते हैं, कौन भैया, क्लोरीन। तो इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि यह विलयनों में, विलयन लिखे या जल भी आप लिख सकते हैं, क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। तीसरा, इसको बिंदुदार रेखा द्वारा दर्शाते हैं। किसको भैया, प्राथमिक जो संयोजकता होती है इसको हम बिंदुदार रेखा द्वारा दर्शाते हैं। तो आशा करते हैं तीन पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, पहला ये, दूसरा और तीसरा। चौथा आता है कि जो प्राथमिक संयोजकता से जुड़ने वाले आयन कोष्टक से बाहर होते हैं। अब भैया, जो प्राथमिक संयोजकता द्वारा कौन कौन से जुड़े हैं, ये क्लोरीन, क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो यही कहा गया कि प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयन, जुड़े जो आयन होंगे, जो आयन होंगे, ये सभी क्या होते हैं, कोष्टक से बाहर रखते हैं या बाहर रहते हैं। तो देखिए, ये ना कोष्टक है, अब कोष्टक को हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक परिसर कहते हैं। जो भी कोष्टक के अंदर होते हैं उसे हम उपसंयोजक परिसर या समन्वय सत्ता कहते हैं। तो ये कोष्टक से बाहर ही तो लिखे गए हैं ना, तो यही तो आयन यहां पे कहा जा रहा है ना। क्या कहा जा रहा है कि प्राथमिक संयोजकता में, प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयन, प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयन क्या होते हैं, कोष्टक से मतलब बड़े कोष्टक से बाहर होते हैं। इस वाले बड़े कोष्टक से ये क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो आशा करते हैं कि जो प्राथमिक संयोजकता के चार आपके जो बातें हैं ये आपको समझ में आया होगा, जो वर्नर ने बताया था। तो आपको सबसे पहले तो आपको यहां से यहां तक लिखना है कि वर्नर के अनुसार किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है, जिसे हम प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। अब आता है प्राथमिक संयोजकता किसे कहते हैं, प्राथमिक संयोजकता में क्या क्या बताया। तो उन्होंने सबसे पहला बताया कि ये ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होते हैं, जो प्राथमिक संयोजकता होंगे ये ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। दूसरा, इन्होंने बताया कि ये विलयनों में आयनित हो जाते हैं। ये विलयनों में आयनित होने का मतलब है कि यदि हम जो क्या है, इसको यदि हम उपसंयोजक यौगिक को यदि हम जल में घोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, इसमें से आयनित हो जाएगा, क्योंकि ये जो बंध है ये दुर्बल बंध है। ठीक है, तीसरा है कि यह बिंदुदार रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब प्राथमिक संयोजकता जो होता है ये बिंदुदार रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। देख रहे हैं ना,
बिंदुदार द्वारा दर्शाया गया है। अगला आता है कि प्राथमिक जो संयोजकता होता है वो जुड़ी आयन, मतलब जो क्या होते हैं प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयन बड़े कोष्टक से बाहर लिखे जाते हैं। प्राथमिक संयोजकता से जो जुड़े आयन होते हैं ये कोष्टक से, बड़े कोष्टक से बाहर लिखे जाते हैं। देख रहे हैं बाहर लिखा गया है। तो आशा करते हैं कि आपको यहां से यहां तक अब समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं द्वितीयक संयोजकता पर। तो यह भी बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात यहां पे कहा गया कि यह, ये मतलब कौन भैया, द्वितीयक जो संयोजकता होते हैं, द्वितीयक संयोजकता ऋणायनों, धनायनों और उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होते हैं। मतलब ये जो भी इससे जुड़े होंगे, द्वितीयक संयोजकता से जो भी जो अणु जुड़े होंगे, ठीक है, ये सभी कैसे होंगे भैया, ये धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं ये सबसे पहला समझ में आया होगा। परंतु प्राथमिक संयोजकता से केवल ऋणायन ही जुड़ सकते हैं। अगला दूसरा आता है, तो आशा करते हैं कि ये पहला जो आपका पॉइंट्स है ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा आते हैं कि द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या निश्चित होती है। मतलब द्वितीयक संयोजकताओं की जो क्या होती है, संख्या होती है वो निश्चित होता है, जिसे हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो द्वितीयक संयोजकता ये सभी है, ये निश्चित होती है इनकी संख्या, ठीक है। क्यों से निश्चित होती है, क्योंकि NH3 का होल 6 लिखा गया है, और होल 6 मतलब कि यहां पे जो क्या होंगे द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए यहां पे बताया गया कि द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या निश्चित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक संख्या कहते हैं। इसे ही हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं। जब इसकी संख्याओं को हम जोड़ेंगे 6 आया तो 6 उपसंयोजक संख्या हो जाएगी। अगला आता है तीसरा यहाँ पे लिखा गया है कि द्वितीयक संयोजकता विलयनों में आयनित नहीं होते हैं। अब ये यहाँ पे कहा गया कि द्वितीयक संयोजकताओं में जो क्या होंगे, द्वितीयक संयोजकताओं को यदि हम इनको सभी को क्या करते हैं, यदि हम घोलते हैं, मतलब इसको यदि हम पूरा को घोलते हैं, तो ये क्या होंगे, ये द्वितीयक संयोजकता से ये सभी जुड़े हुए हैं, तो ये आयनित नहीं होंगे, मतलब ये अलग नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, परंतु ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जो अलग होगा उसे प्राथमिक, और जो अलग नहीं हो रहा है उसे हम द्वितीयक कहेंगे। और द्वितीयक में यही ना कहा गया कि द्वितीयक संयोजकता विलयनों में आयनित नहीं होते हैं, मतलब टूटते नहीं है, अलग नहीं होते हैं। अगला आता है कि द्वितीयक संयोजकता को सतत रेखा द्वारा दर्शाया, मतलब प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। सतत रेखा मतलब लगातार जो क्या है, एक रेगुलर जो लाइन द्वारा इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देख रहे हैं रेगुलर लाइन है कि नहीं, एक सतत रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। अगला आता है कि जो द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा जुड़े जो लिगेंड्स होते हैं वो केंद्रीय, मतलब ध्यान से समझिएगा इसमें क्या बताया गया। यहाँ पे कहा गया द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े लिगेंड्स और तथा केंद्रीय धातु परमाणु, यही तो है लिगेंड्स और केंद्रीय धातु परमाणु बड़े कोष्टक में लिखे जाते हैं। तो सही तो बात है कि लिगेंड्स और केंद्रीय धातु परमाणु बड़े कोष्टक में लिखे जाते हैं, और यही तो बात कहा गया कि द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा जुड़े जो लिगेंड्स होते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु बड़े कोष्टक में लिखे जाते हैं, और यही तो बड़े कोष्टक में लिखे गए हैं ना। तो आशा करते हैं कि यदि आपको एग्जाम में आता है तो आप यहां से यहां तक सभी आप कुछ समझे हुए हैं, तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां से यहां तक लिखना है, उसके बाद ये फिगर आप जो प्राथमिक संयोजकता को लिखने के बाद, या दोनों ये सभी को लिखने के बाद नीचे आप इस फिगर को बना लीजिएगा, एग्जाम्पल में आपको ये लिख देना है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ से ढूंढकर पढ़ सकते हैं। यदि आपको नहीं पता प्लेलिस्ट कहाँ पर है, कैसे हम ढूंढें, तो आपके लिए यहाँ पे नीचे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल लिखेंगे क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक, इतना लिखकर मैसेज करेंगे तो हमारे जो सहयोगी होंगे वो
आपको तुरंत लिंक दे देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे आती है या यदि आपको हमसे बात करना हो तो आपके पास दो माध्यम है, एक है कमेंट सेक्शन, थोड़ी सी देरी हो सकती है परंतु जवाब मिलेगा। दूसरी बात, यदि आपको तुरंत चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आई डी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, brothers30। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।